मेरे को डाउट लग रहा है कि उसका पैर में शायद क्रैक वैक हो गया है ना क्या। मैं देख रही हूँ रोहित अभी तक आ नहीं रहे, तो मैं काफी ज्यादा डर गई। तो मैं दौड़ के जगह ट्रेन ऑलरेडी पास हो चुका था, मैं इस साइड से देख रही थी ट्रेन पास हो चुका है, पर अभी तक रोहित क्यों नहीं आया। तो उसके बाद मैं दौड़ के गई वहाँ पे, तो देखती हूँ कि गाड़ी आधा से आधा खाई के नीचे मतलब गिरा हुआ था। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ पे आ गया हूँ मैं। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ अभी एक्चुअली तीन धारे सरिता का, जहाँ पे वो कहाँ क्या सच पहले फर्स्ट तो मेरा अभी बहुत मूड ऑफ हो रहा है, आँख में इसका कुछ काट लिया है, बहुत आँख भारी भारी ब्लिंक नहीं कर पा रही हूँ। और आप लोग का बहुत सारा कमेंट आया था, आप लोग सोच रहे होंगे ये जंगल में फिर से हम लोग आप लोग को हिल्स घुमाने के लिए आए हैं, बट नहीं, कुछ काम से आए हैं। जैसे कि आप लोग कमेंट किए हैं हमको बहुत, जो पार्लर टूर का वीडियो है उसमें कि मैम ब्राइडल मेकअप का मतलब वीडियो दीजिए हम लोग को बोल के। तो आज मैं मतलब एक मुझे ब्राइडल मेकअप के लिए ऑर्डर आया है, वो मेरा सीज की लगती है मतलब सिस्टर लगती है, तो मैं उसी का मेकअप करने के लिए आज जा रही हूँ। तो लेट्स गो, आप लोग को तीन धारे रूट का रास्ता भी दिखा दूँ और प्लस मेरा वीडियो भी मतलब ब्राइडल मेकअप का वीडियो भी आज आप लोग को दिखा दूँ। और सरिता का एक्चुअली जन्म भी वहीं पर हुआ था तीन धारे में, तो वहाँ पे भी आप लोगों को दिखाएंगे कुछ कुछ। और फिलहाल अभी चलते हैं गाइस और मिलते हैं रास्ते में। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं जा रहा हूँ अभी सरिता का बचपन के जगह पे, जहाँ पे सरिता का बचपन आधा बचपन मतलब गुजरा था। अभी तो फिलहाल सिलीगुड़ी में रहती है और मैं अभी जा रहा हूँ तीन धारे, और वहाँ पे बहुत कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। सरिता कहाँ पे कैसा रहती थी, यहाँ आने से सरिता एकदम चुपचाप हो जाती है, बचपन का याद करती है खाली। वो यहाँ से एक्चुअली ज़्यादा दूर नहीं है, अब शायद हम लोग पहुँचने वाले। हम लोग सुबह 5 बजे उठा था और 5 बजे उठ के नहा के पूजा वूजा करके निकलते निकलते एक्चुअली लेट भी हो गया और सुबह सुबह थोड़ा अंधेरा था, तो इसलिए मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं रखा। अभी जब थोड़ा उजाला हो गया उसके बाद मैं कंटिन्यू किया ये वाला ब्लॉग। आधा रास्ते से शायद आप लोग ब्लॉग देखने को मिला होगा कि घर से ब्लॉग चालू नहीं किया था गाइस। ये जो झुंड है ना, मतलब बहुत सारा घर, इस ये जगह पे एक्चुअली सरिता लोग का घर था। याद रखिएगा ये जो पटरी है ना, ये पटरी से बहुत ही स्लो करके पार होइएगा, क्योंकि इसमें मैं एक्चुअली एक्सीडेंट हो चुका हूँ, शायद आप लोगों को पता नहीं है। बी केयरफुल वहाँ पे। हेलो, कैसे? अच्छा, जिलो बॉय ने ब्लॉग बनाते बनाते आना पड़ा। ओए बंदे सा, ओए फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं सरिता का बचपन का जगह पे, जहाँ इसका पूरा बचपन गुजरा और जाके बड़ा होके फिर मेरे से मिली। और आज सरिता कुछ कुछ बोलेगी। सरिता, आज ये जगह के बारे में पूरा एक्सप्लोर करके तुमको बताना पड़ेगा, आज कैसा था तुम्हारा बचपन, क्या क्या करती थी, कौन कितना एज तक थी, ये सब। मैं एज तो मुझे नहीं पता, एज में उस टाइम कितना थी, क्लास 2 में जब बच्चा लोग पढ़ते हैं तब कितना एज का होता है, वैसा टाइप का एज था मेरा। जन्म के बाद जो दुनिया देखना होता है, ये फर्स्ट मैंने दुनिया जो देखा है, ये प्लेस है जो मैं फर्स्ट, यहीं से मेरा मतलब दुनिया देखने का मतलब शुरुआत यहाँ से हुआ है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं सिलीगुड़ी में ही शायद पैदा या फिर वहीं पे मेरा सब कुछ स्टार्टिंग, पर ऐसा नहीं है। सिलीगुड़ी में मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग नहीं है, हाफ मतलब यहाँ पे स्पेंड कर चुकी थी। फिर उसके बाद मेरा पापा का ट्रांसफ़र हो गया था सिलीगुड़ी, तो फिर उसके बाद हम लोग सिलीगुड़ी पे गए, फिर उसके बाद सिलीगुड़ी पे फिर मेरा स्टार्टिंग हुआ सब कुछ। और अभी फ़िलहाल मैं आप लोग को वो प्लेस दिखाना चाहती हूँ जो यहाँ पे अभी हम लोग फ़िलहाल जो प्लेस पे है ना, ये प्लेस बहुत अच्छा है, सारा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत दूर दूर से आते हैं, तो यहीं पे आदमी लोग आके यहाँ पे फ़ोटो क्लिक वगैरह करते, और ये बहुत मतलब ब्यूटीफुल प्लेस है। और ये ब्यूटीफुल प्लेस में एक बड़ा सा हादसा हुआ था, बहुत ज़्यादा डेंजर, तब हम लोग यहीं पर ही रहते थे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजर लैंडस्लाइड हुआ था। और लैंडस्लाइड जो हुआ था ना, ऐसा टाइप से लैंडस्लाइड हुआ था, ये अभी जो अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, ये जो प्लेस है, अब इतना आप लोग को मतलब हाईवे रोड आप लोग को दिख रहा है, पर यहाँ पे
पहले रास्ता बहुत ही ज़्यादा छोटा था और ऐसा लाइन स्लाइड हुआ ना, ये पूरा मतलब रास्ता स्लाइड होके गिर गया था। और बस ये जो ट्रैक आप लोग को दिख रहा है, ये ट्रैक बस झूल रहा था, मतलब ये पूरा रास्ता ही मतलब पूरा धस गया था, एकदम धस के ये नीचे खाई में चला गया था। और ये भी तो एक्चुअली नया बना है। हाँ, ये नया बना है और गाइस देख सकते हैं नीचे मतलब कितना बहुत नीचे बहुत गहराई से बना के ये वाला बनने में इतना मतलब टाइम लगा, बहुत ईयर भी लगा यहाँ पे ये टोटल कंप्लीट एक रास्ता बनाने में। पर अभी बनने के बाद इतना अच्छा हुआ। बिफोर 1 ईयर अगो फिर से मैं आई थी यहाँ पे, तब उस टाइम अचानक से ये प्लेस देखी तो मैं शॉक्ड हो गई, माय गॉड कितना छोटा रास्ता था, कैसा लाइन स्लाइड। हम लोग तो वही सोचे थे कि ये रास्ता फिर कभी बनेगा नहीं, बट बनाने वाला आदमी लोग इतना टेक्निक से बनाया है कि मतलब क्या बोले, अभी एकदम नहीं लगता है कि ये जगह लैंडस्लाइड हुआ था ऐसा। और अभी हम लोग यहीं पे आके व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो आप लोग देखिए थोड़ा सा नज़ारा गाइस, मतलब कितना अच्छा जगह पे ये मतलब पैदल ही है। मतलब मैं भी सोचता हूँ कि काश मैं भी ऐसा जगह पे पैदल लिया होता, इतना खूबसूरत जगह पे। गाइस देखिए बहुत अच्छा है, और वहाँ पे एक स्कूल दिख रहा है, शायद वो हाई स्कूल है, सिलीगुड़ी का तीनधारे हाई स्कूल, तीनधारे हाई स्कूल, तीनधारे बॉयज का स्कूल है वो, बॉयज अच्छा, का हाई स्कूल है। अच्छा, ये वाला चीज जो है दूर से ही दिखता है, बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, चूना भट्टी से ही दिखने लगता है, उधर चूना भट्टी है, चूना भट्टी उधर से ही दिखता है। और फिलहाल अभी ये जो है ये शायद रेलवे का क्या है, सरिता ये सरिता ये क्या रेलवे का वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप है ना। और अभी इधर से हम लोग को जाना है, और गाइस ये रास्ता बहुत ज्यादा चौड़ा बना चुका है, मेरा भैया यहीं पे आता है। हाँ, और वहाँ पे ऊपर में स्टेशन भी है, मेरा भैया ट्रेन लेके वहीं स्टेशन में भी आता है। मेरा भैया का भी काम यहीं से, और ऊपर में तीन धारे का रेलवे स्टेशन है, वो भी आप लोग को हम लोग दिखाएंगे। बहुत मस्ती हो गया, और ऊपर चल के सरिता का जो जहाँ रहती थी वो घर दिखाएंगे, और जहाँ पे वो क्या बोलता है रास्ते में कित कित खेलती थी वो सब भी दिखाएंगे आपको। तो चलिए अभी उधर चलते हैं। सो गाइस ये जो देख रहे हैं आप, ये गाँव को एक्चुअली गोला ही बोलता है, और ये पार करने के बाद ही आता है सरिता का मतलब घर। सरिता तुम्हारा घर का जगह का नाम क्या है? भानुग्राम। तो ये पार करते ही मतलब भानुग्राम आ जाएगा। ये है वर्कशॉप, ये देखिए यहाँ पे है हॉस्पिटल, ये रेलवे हॉस्पिटल ये ऊपर में, और सरिता घर ये जंगल के पीछे है। गाइस देखिए यहाँ दीवार दिख रहा है, शायद जंगल हो गया, अभी कोई नहीं रहता है। और यही रास्ता सब में सरिता कित कित खेलती थी, कित 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 था। और वाला गैरेज है क्या? गाड़ी रखते थे ये वाला गैरेज में, गाड़ी रखते थे। और अभी ये सब बंद, शायद गैरेज अभी भी है, ये एक्चुअली रेलवे प्रॉपर्टी है। और मैं उधर से दिखाता हूँ आपको घर। सो गाइज ये है सरिता का घर, भूत बंगला बन चुका है, रेलवे क्वार्टर। और अभी हम लोग और आगे जाते हैं और आगे दिखाते हैं, कुछ इस तरह का दिखता है गाइज, देख सकते हैं। तो गाइज देखिए ये है मेरा फर्स्ट स्कूल स्टार्टिंग, जहाँ से मैं की थी, ये सीढ़ी से चढ़ के, ये जो आप लोग को येलो कलर का दिख रहा है, ये है मेरा स्कूल, ये येलो वाला स्कूल है। हाँ हाँ, जहाँ मैं फर्स्ट मेरा स्टार्टिंग यहीं से हुआ था, बस कुछ ही दिन के लिए मैं पढ़ी थी, मतलब घर का सामने ही था, तो कुछ दिन बस यहाँ पे। और ये मंदिर है क्या? हाँ मंदिर है, दिखा दो मंदिर में, ये मंदिर है गाइस, ये स्कूल। और ये सब रेल का पटरी में भी खेलती थी ना तुम लोग। आगे आप लोगों को दिखाते हैं और भी क्या क्या है। अभी हम लोग एक बहुत सुंदर जगह में जाने वाले हैं, तो चलिए फ्रेंड्स लेट्स गो विद अस। यही गाड़ी राखेको कि यादै भएन नि त। अस्ति भर्खर अस्ति भर्खर लगाएको टिटी त Thank you.
तो बाय। यहाँ लागे गाड़ी यहाँ थियो कि म आएर यसरी टानेको ट्रेन का तिमी आउँदा आउँदा ट्रेन का आइपुगेको ट्रेन यही थियो टानेर यता ताने त खुट्टा में लागेर आयो ट्रेन ले गा भाइ यति बेला त्यही त भनेको म त थाहा खुट्टा काँप्दैछ मेरो भित्रबाट पुरा। फ्रेंड्स अभी फिलहाल ये जो ब्लॉगिंग है ये ड्राइव करते करते मैं कर रही हूँ, ये जो मोटो ब्लॉगिंग है हम लोग का। मैं तो बहुत सैड हूँ तभी भी, अब क्या करें, घर तक तो पहुँचना ही पड़ेगा गाइस, तो फिर इसीलिए मैं चला रही हूँ गाड़ी। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि ये डाउन रास्ता है, डाउन रास्ता में मैं पहली बार ड्राइव कर रही हूँ। मैं मतलब अप ड्राइव की हूँ, जैसे कि सिलीगुड़ी टू करशेंग मैंने पहले भी ड्राइव किया है, आप लोग ने शायद वो वीडियो देखा है मेरा। तो ये वाला तो आज मैं डाउन में कर रही हूँ, मजबूरन होके कर रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, ब्राइडल मेकअप ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग ने थोड़ा सोचा कि जाके आंटी है मेरा आंटी का घर में जाके थोड़ा सा मिल लूँ आंटी के साथ। वही मिलने के लिए मैं आंटी का घर गई थी। वो जो ट्रेन का ट्रैक है उसका एकदम बगल में ही घर है, ट्रैक का सामने है, तो हम लोग भूल ही गए थे कि वहाँ पर ट्रैक में रखे, ट्रैक का सामने रखेंगे तो बाद में ट्रेन आ जाएगा, सोचे नहीं। हम लोग अंदर में जाके हम लोग बात करने लग गए थे, हादसा हो गया है। तो हादसा ये हुआ है, ट्रैक के सामने घर है और हम लोग बाहर में पार्किंग करके अंदर में हम लोग थे। तो गाइस हॉर्न बजने के बाद रोहित को तब याद आया कि ट्रैक का सामने हम लोग गाड़ी रखे हैं बोल के, तो रोहित दौड़ के बचाने के लिए आया। वो अंदर में जैसा हालत में था एकदम विदाउट चप्पल ये सब वो सॉक्स पहन के रखा था, तो वो सॉक्स के साथ ही वो दौड़ के बाहर में आया। तो वो ट्रेन को हाथ भी दिखाया रुकने के लिए, बट उन लोग का ट्रेन लोग का भी रूल्स है कि कोई भी जगह में अगर अर्जेंटली कोई अगर हाथ से हिला के रोकने का कोशिश करता है तो ट्रेन नहीं रुकता है। वो ख़राब भी लगा कि हम लोग इतना बड़ा मिस्टेक कैसे कर सकते, इतना बड़ा मिस्टेक के वजह से कुछ भी हो सकता था। पर जैसे जैसे मतलब अभी रोहित भी थोड़ा ठीक है बोला गया, तो उसका जिस तरीके से वो मतलब गाड़ी को बचाने के लिए गया पर उसको ट्रेन मार दिया, गाड़ी में भी लग गया पूरा और रोहित का पैर में भी पूरा चोट लगा हुआ है। जो थोड़ा बहुत कट वट गया था वो तो वहीं पर सबको इन्हें मिल के आंटी लोग घर में लेके जाके अंदर में उसको थोड़ा ड्रेसिंग वगैरह तो कर दिया है, बट उसका पैर जो है वो एकदम से स्वेलिंग हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा उसको पेन हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग शायद और भी रुकते वहाँ पर हम लोग नहीं रुके, इसलिए क्योंकि उसका स्वेलिंग ज़्यादा हो रहा था और पेन उसको ज़्यादा हो रहा था। मेरे को डाउट लग रहा है कि उसका पैर में शायद क्रैक वैक हो गया है ना क्या, क्योंकि क्रैक वैक होने की वजह से ही पैर स्वेलिंग हो जाता है और पेन होने लगता है। तो ये डर के मारे एकदम फटाफट से अभी मैं निकल रही हूँ सिलीगुड़ी के लिए, निकल चुकी हूँ, रास्ता में हूँ। अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रहा है मुझे ये मोटो व्लॉगिंग करने के लिए, क्योंकि ये जो रोहित का हेलमेट है ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा भी हो रहा है, इसके वजह से एकदम प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा आँख वाँख झप जा रहा है। तो इसीलिए चलिए गाइस, तो फिर मिलते हैं बाद में, उसको डायरेक्टली हॉस्पिटल जो लेके जाऊंगी वहीं से दिखा दूंगी आप लोग को। चलिए गाइस मिलते हैं बाद में। तो गाइस आप लोग ने देखा होगा हम लोग का वीडियो, हम लोग कितना अच्छे से वीडियो बना रहे थे और जा रहे थे, तो काफ़ी एक्साइटेड थे हम लोग वीडियो पे कि आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे चीज़ वगैरह दिखाएंगे। बट अफसोस ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मतलब एकदम से मूड ऑफ हो गया है हम लोग का। तो आप लोग को हम लोग का वीडियो पूरा देखने पर ही मतलब सब कुछ समझ में आएगा क्या हुआ था। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हम लोग का हमेशा कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता है, नहीं पता शायद हम लोग का अभी कुछ मतलब अच्छा दिन, जैसे बोलते हैं ना अच्छा दिन नहीं चल रहा है, राशि बिगड़ गया या फिर कुछ ऐसा, कुछ ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, इवन हम लोग को बोला भी है। मुझे तो वही लगता है कि
पूरा पूरी मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब जैसे कि रोहित के साथ ही कुछ हो रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले आप लोग ने वीडियो में देखा होगा कि रोहित का एक्सीडेंट हो गया था आफ्टर विश्वकर्मा पूजा के बाद, आप लोग ने वो वीडियो भी शायद देखा होगा। तो इस बार भी नहीं पता ऐसे ही मतलब हम लोग के साथ फिर से एक हादसा हो गया है। तो गाइज हम लोग के साथ क्या हुआ है वो आप लोग को मैं अच्छे से क्लियरली बोलना चाहती हूँ। एक्चुअली हम लोग कोई टूर पे नहीं गए थे, हम लोग एक्चुअली गए थे तिंधारे, तो वहाँ पे कुछ मेरा काम से ही गए थे। रोहित का बोलूँ तो रोहित तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, उसको बहुत मतलब वो इंसिडेंट बार बार उसका आँख का आगे हो रहा है। आप लोग वो सुनेंगे तो आप लोग भी शॉक्ड हो जाएंगे, इतना बड़ा हादसा से मतलब रोहित बच के आया है। इवन मैंने उसको बचा के लेके आया, जितना मेरा मतलब जिम्मेदारी था मैंने सब कुछ निभाया, जितना अपने से बेस्ट देना हो मैंने किया सब कुछ। उन लोग का जो घर है वो एकदम रास्ता, फिर उसके बाद ट्रैक, ट्रैक के सामने घर है, थोड़ा सा ही डिस्टेंस है। तो वो तो पहले ही निकल चुका था अपना गाड़ी बचाने के लिए, और मैं देख रही हूँ रोहित अभी तक आ नहीं रहे, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई। तो मैं दौड़ के जगह, ट्रेन ऑलरेडी पास हो चुका था, मैं इस साइड से देख रही थी ट्रेन पास हो चुका है पर अभी तक रोहित क्यों नहीं आया है। तो उसके बाद मैं दौड़ के गई वहाँ पे, तो देखती हूँ कि गाड़ी आधा से आधा नीचे मतलब गिरा हुआ था, और पीछे का बस गाड़ी का पार्ट जो है वो लेके रोहित एकदम सट गया था। एक छोटा सा कुछ स्टोन टाइप का कुछ आप लोग को शायद वीडियो पे देखा ही होगा, वहाँ पे अटक के वो बैठा हुआ था। और जब मैं गई वहाँ पे पहुंची तो वो एकदम से डरा हुआ था, ना बात कर रहा था ना कुछ, एकदम से वो कांप रहा था पूरा। तो वो देख के तो मुझे भी अंदर से तो एकदम मतलब होता है ना, देखने से शॉक चिल्लाना आता है, पर मैंने खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया, और कंट्रोल करके उसका सामने मैंने ऐसा दिखाया कि कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि वहाँ पे अगर मैं खुद से डर जाऊँ और वो रिएक्ट करूँ तो वो और भी ज़्यादा डरेगा, तो इसलिए मैंने खुद को बहुत ही कंट्रोल करके मैं एकदम से नहीं डर के मैंने पहले फर्स्ट तो उसको एकदम रिलैक्स करवाया कि कुछ नहीं हुआ है बोल के, फिर उसको मैंने लेके जाके अंदर में लेके गया, और आंटी अंकल सब कोई थे तो उसको लेके गया। उसका जीन्स भी पूरा फट गया था और काफ़ी ज़्यादा चोट लगा हुआ था, वो देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा खराब लग रहा था, बुरा लग रहा था, और मेरा दिल तो धक धक कर रहा था, मैं खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तभी भी जैसे तैसे मैं खुद को कंट्रोल करके उसको रिलैक्स करा के उसका जो थोड़ा बहुत मतलब ड्रेसिंग ट्रीटमेंट है वो हम लोग ने उसका करवाया। फिर उसके बाद मैंने खुद से गाड़ी ड्राइव करके मैंने सिलीगुड़ी तक उसको लेके आया। एक्सरे हुआ था क्योंकि उसका पैर पूरा फूल गया था, हम लोग को डाउट हो रहा था कि पैर शायद टूट गया हो ऐसा कुछ, पर ऐसे ही कुछ हुआ है। तो मतलब फिर उसका एक्सरे हुआ, एक्सरे होने के बाद एक्सरे प्लेट में दिखा कि उसका पैर पे मतलब पूरा चोट लगा हुआ था और हल्का सा उसका मतलब क्रैक। अभी ज़्यादा डर गई थी, भगवान को यही प्रे कर रही थी कि जल्दी से ठीक हो जाए, तो इसीलिए तो अब प्रे भगवान ने साथ मेरा प्रे सुन लिया, अभी सब कुछ ठीक है। पर वो वीडियो के लिए इतना ज़्यादा मतलब टेंशन कर रहा है कि अब क्या होगा, कि वीडियो कैसे बनाएंगे, व्यूवर्स लोग को कैसे हम लोग का वीडियो दिखाएंगे, ये वो। तो मुझे तो एडिट करना तो आता तो है नहीं ठीक से, मतलब आता है थोड़ा बहुत, जब वो करता था तब मैं थोड़ा बहुत देखती थी तो उससे मैं कुछ थोड़ा बहुत सीखी हूँ। तो ये वीडियो जो है ये मैंने ही एडिटिंग किया है, तो आप लोग देखिए कैसा है नहीं है। अगर एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम जैसा मतलब पर्टिकुलरली रोहित जैसा एडिटिंग करते एकदम अच्छा से वैसा मुझे आता नहीं है, पर खुद से जितना हो पाया मैं उतना एडिटिंग करके आप लोग को मतलब दिखा रही हूँ। तो अगर मेरा मतलब एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ, गलती है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट अभी कुछ दिन के लिए तो उसको बेड रेस्ट दिया है, कुछ दिन के लिए हम लोग वीडियो नहीं बना पाएंगे, तभी भी जितना हो सके मैं खुद से अगर वीडियो बना के दिखा सकती हूँ तो मैं दिखा सकती हूँ। तो उसके लिए आप लोग एकदम मत हम लोग का वीडियो देखना एकदम से मत छोड़ दीजिए। अभी 500 क्रॉस सब्सक्राइबर हो चुका है, आप लोग से प्रे करना चाहती हूँ कि हम लोग का और भी सब्सक्राइबर आप लोग मतलब सब्सक्राइबर को अच्छा लगे हम लोग का वीडियो, तो और भी शेयर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का वीडियो शेयर कीजिए और हम लोग को सपोर्ट कीजिए।